डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में नेत्र के समंजन क्षमता के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ नोट का पॉइंट है, नोट्स में करके NOTE नोट। नोट में कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, देखते हैं क्या क्या नोट में पॉइंट्स है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि मानव का दो नेत्र ही क्यों पॉसिबल है। आपने कभी सोचा कि मानव के जो दो नेत्र हैं, अगर एक नेत्र भी रहता तब पर भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक नेत्र से भी हम लोग देख सकते हैं एक आँख को बंद करके। तो यहाँ पे एक सवाल उठना चाहिए और उठना लाजमी भी है, आखिर मानव के दो नेत्र ही क्यों, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक नेत्र क्यों नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक आंख से देखते हैं तो क्षैतिज दृष्टि से मात्र 150 डिग्री 150 डिग्री का एंगल ही आप देख पाते हैं, लेकिन दोनों नेत्र के सहारे हम लोग जो एंगल को देख पाते हैं वो क्षैतिज दृष्टि से 180 डिग्री को देख पाते हैं। और आप बात की क्षैतिज दृष्टि से क्या मतलब है, तो आपको हम मैथमेटिक्स में एक नए चैप्टर जो शुरू किए हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 NCERT से, उसमें हम लोग पिछले क्लास में ही डिस्कस किए हैं कि क्षैतिज दृष्टि होता क्या है। तो जो मानव नेत्र के सीधा मानव नेत्र अपने सीधा रेखा में जिन वस्तुओं को देख पाती है वह कहलाता है क्षैतिज दृष्टि। क्या कहलाता है वो? क्षैतिज दृष्टि। अगर दोस्तों मानव एक नेत्र को बंद करके एक नेत्र से देखता है तो आपको याद आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्षैतिज दृष्टि से मात्र 150 एंगल को देख पाते हैं, लेकिन अगर दोनों आंखों की सहायता से दोनों नेत्र को खोल दिया जाए तो 180 यानी 180 डिग्री कोण को देख पाते हैं। तो इसीलिए मानव नेत्र दो का होना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग दोनों की आँख की वजह से 180 डिग्री देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट का पहला पॉइंट लिखा जाए, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि से लगभग लगभग 150 डिग्री 150 डिग्री होती है, जबकि दोनों नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। तो याद रखिए, नोट में हम लोग यही पॉइंट्स लिखे हैं कि मानव जो है एक नेत्र से कितना डिग्री दिखता है, 150 150 डिग्री, लेकिन दोनों नेत्रों से 180 डिग्री। चलिए दूसरा पॉइंट बहुत मज़ेदार है, आपने कभी शिकार करने वाले जंतुओं को देखा होगा, जो मांसाहारी जीव होते हैं, एक्चुअली वही ना शिकार करेंगे। शिकार करने वाले शिकारी नहीं, शिकारी का मतलब हुआ वो ह्यूमन, वह मानव जो किसी भी जीव को हत्या करता है वो शिकारी कहलाता है। यानी कि कोई शिकारी तोता को मारता है, तोता को फंसाता है, तोता को पकड़ता है, या फिर अन्य किसी जीव को अपने अंडर में रखता है, तब उसको शिकारी कहते हैं, ठीक है। यानी कि वह व्यक्ति जो किसी भी जीव को, चाहे वह तोता हो, मैना हो, गिलहरी हो या अन्य कोई जानवर है जिसको
हत्या करता है वह उस व्यक्ति को शिकारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे शिकार करने वाले जंतु यानी कि जानवर, जो शिकार करने वाले जंतु होते हैं उनका जो आँख होते हैं आप देखे होंगे कि सिर पे होता है, यानी कि जहाँ पे सिंग होता है सिंग के थोड़ा सा नीचे। सिंग तो बिल्कुल सर हो गया वो लोगों का, जंतुओं का, और उसके जस्ट नीचे जहाँ पे हेड होता है सिर, उसके जस्ट नीचे उनका जो आँख होता है। यानी कि बोला जाता है कि शिकार करने वाले जंतुओं जो हैं उनका आँख उनके सिर पे रहता है और वो विपरीत दिशा में। ऐसा क्यों? क्योंकि वह बहुत अधिक की दूरी देख सकते हैं, ज़्यादा एंगल से देख सकते हैं किसी भी वस्तु को। समझ में आ रहा? इसलिए शिकार करने वाले जंतु देखते होंगे कितना कंफर्टेबल होता है, अचानक हमला करता है, दूर से उसको दिख जाता है क्लियर कि कौन सा वस्तु कहाँ है, और फिर उसको सदमे से धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंचकर और अचानक अटैक करता है। क्लियर? तो लिखा जाए सेकेंड पॉइंट, शिकार करने वाले जंतु के दोनों नेत्र, शिकार करने वाले जंतु के दोनों नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, जिससे वे अधिकतम दूरी तक जिससे वे अधिकतम दूरी तक स्पष्ट देख सके अधिकतम दूरी तक स्पष्ट देख सके। तो चलिए ये नोट का दो पॉइंट था। चलिए अब हम लोग एक न्यू टॉपिक्स को करते हैं जिसका नाम है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, अब ये दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि का मतलब क्या? दिखाई पड़ना, और दोष का मतलब क्या? उसमें फॉल्ट। अगर दोस्त, अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है आँख से किसी भी वस्तु को देखने में, इट मीन्स कि आपको धुंधला दिखाई देता हो कोई वस्तु, या फिर नज़दीक की वस्तु बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो और दूर की वस्तु आपको धुंधलापन जैसा नज़र आ रहा है, तब पर भी तो आपको प्रॉब्लम हुआ ना। या फिर दूर की वस्तु फ्रेश नज़र आता है और नज़दीक की वस्तु में आपको अच्छा से नहीं दिखाई देता है, तब उसको हम लोग दोष कहेंगे। दोष का मतलब प्रॉब्लम, कठिनाई। ठीक है, किस में प्रॉब्लम? दृष्टि में, यानी कि देखने में। अगर किसी भी व्यक्ति को देखने में कोई प्रॉब्लम आता है, चाहे कोई भी सा भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों दृष्टि दोष। याद रखिए दृष्टि दोष का मीनिंग क्या हुआ? देखने में, मानव नेत्र से देखने में किसी वस्तु को अगर प्रॉब्लम होता है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये एक्चुअली होता कैसे है? अभी ये भी तो सवाल पूछ सकते हैं, सर दृष्टि में दिखाई, आखिर हम लोग का जब जन्म होता है तो बचपन से तो आँख ठीक ठाक रहता है, फिर धीरे 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 एज के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये प्रॉब्लम आने लगता है। लेकिन एक्चुअली पता नहीं पड़ता है, जब हम लोग चेकअप वगैरह कराते हैं तब हमें पता चलता है कि आँख में हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए, हम लोग आखिर दृष्टि को खो क्यों देते हैं एक्चुअली? तो देखिए, हम लोग समंजन क्षमता के बारे में पढ़े हैं। समंजन क्षमता का मतलब क्या हुआ? मानव नेत्र का वह क्षमता जिसमें जो लेंस होता है मानव का, वो ऑटोमेटिक अपने आप फोकसित होते रहता है, ठीक है, अपने आप उसको टर्मिनेट कर सकता है, कहाँ पे सिकुड़ना है, कहाँ पे फैलना है, कहाँ पे, अपने आप मतलब मैनेज्ड होता रहता है। अगर वह क्षमता धीरे धीरे आँख जो है खोता है तब उसमें दोष उत्पन्न होता है। चलिए लिखा जाए इसमें फर्स्ट एरो, दृष्टि दोष का फर्स्ट एरो। कभी कभी नेत्र
कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देता है। इसी स्थिति में ऐसी स्थिति में से लिखिएगा, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होने लगती है, कठिनाई होने लगती है। इसे नेत्र का दृष्टि दोष कहा जाता है। इसे नेत्र का दृष्टि दोष कहा जाता है। चलिए दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़ें कि मानव नेत्र में क्या होता है, अपने समंजन क्षमता को धीरे 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 खो देता है, और वही खोने की क्रिया को हम लोग उसको दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं कि आखिर दृष्टि दोष के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र में कई तरह की प्रॉब्लम आती है, कई तरह की दोष उत्पन्न होती है, लेकिन हम लोगों को क्लास 10th में जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से तीन दोष के बारे में पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? यानी कि ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मानव नेत्र में मात्र और मात्र तीन तरह का ही प्रॉब्लम होता है, मानव नेत्र में और भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि प्रमुख रूप से, देखिए अगर प्रमुख बोल दिया जाए इसका मतलब है कि मेन तीन ठो है जिसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद भी आपको पता है नेत्र का ये प्रॉब्लम है जिसको हम लोग पढ़े कि मोतियाबिंद क्या होता है, उसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है और मोतियाबिंद कैसे ठीक हो पाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर नेत्र में बहुत तरह की कई तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग जो है मेन तीन तरह के प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, यानी कि प्रमुख रूप से दृष्टि दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के लिखा जाए नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो देखकर लिखेंगे प्रमुख रूप से दृष्टि दोष के दोष के तीन प्रकार होते हैं। दृष्टि दोष के तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा का नाम है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। और तीसरा का नाम है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा जरा परा नहीं समझना, जरा जरा, ये दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा कि मानव में तो बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह की कठिनाई होती है, लेकिन मेन कठिनाई जो होती है, मेन प्रॉब्लम जो आता है वो तीन तरीके का, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये तीनों का नाम है। अब जरा इंग्लिश में बात कर लिया जाए, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। मायोपिया कौन सा रोग? मायोपिया रोग। ठीक है, ये रोग का नाम हुआ या फिर दोष का नाम हुआ निकट दृष्टि दोष, ये भी तो दोष का ही नाम है लेकिन इंग्लिश में है। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं, लेकिन दीर्घ दृष्टि, देखो दूर दृष्टि को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, तो दीर्घ भी और या करके दूर भी लिख लीजिएगा, यानी कि दूर का मतलब बहुत दूर और दीर्घ का मतलब बहुत बड़ा, तो बात वही है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष भी लिखा जा सकता है और
दूरदृष्टि दोष भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। इसको जो बोलते हैं हम लोग हाइपर मेट्रोपिया लिखते हैं, हाइपर मेट्रो टिया, ठीक है। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसी तरीके से जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं, प्रेस बायो BYOPIA, ठीक है। याद रखिएगा हम लोगों को दृष्टि दोष तीन प्रकार के पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दीर्घ या फिर दूर, दोनों एक ही हुआ, निकट को मायोपिया, दूर को हाइपरमेट्रोपिया, जरा को ब्रेस बायोपिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों के बारे में अगले दिन अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि आखिर निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, आखिर कौन से दोष को निकट कहते हैं, किस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और जरा दृष्टि दोष के साथ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्त, आखिर निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी की अगले दिन हम लोग तीनों का अलग अलग टॉपिक्स करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।